Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 17 गणतंत्र दिवस लेख विशेष। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व को सभी देशवासी वर्ग जाति ऊंच नीच आदि का भेद त्याग कर एक साथ मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बना। प्रस्तुत पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। आजादी की एक सांस गुलामी के 100 वर्ष जीने से अच्छी है। आजादी की भावना से प्रेरित होकर ही भारतीय जनता सदियों से चली आ रही अंग्रेजों की गुलामी से करारा उठी और देखते ही देखते असंख्य भारतवासियों के मुख से फूट पड़ा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अनेक वर्षों के संघर्ष के बाद भारतवासियों ने अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त कर ली और सदियों के बाद अपनी भूमि पर चैन की सांस ली। आजादी से पूर्व 26 जनवरी सन 1930 को रावी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसी ऐतिहासिक दिवस पर सन 1950 में संविधान को लागू करके भारत को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी के दिन हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक अनूठे उत्साह एवं उमंग का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। भारतीय जनता आज भी इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाती है। भारत की राजधानी दिल्ली में यह पर्व विशेष उत्साह से मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी प्रांतों के स्वरूप और संस्कृति को दर्शाने वाली आकर्षक सवारियां, झांकियां आदि निकलती हैं। राष्ट्रपति 4 घोड़ों की बग्घी पर बैठकर निकलते हैं। इस दिन राष्ट्रपति भवन को सामान्य जनता के लिए खोल दिया जाता है। यह वर्ष के प्रारंभ में पड़ने वाला राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस का पर्व मात्र दिल्ली में ही नहीं वरन संपूर्ण देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रातः काल सभी विद्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। विद्यालयों में बालक बालिकाओं के विभिन्न खेल आयोजित किए जाते हैं और बच्चों को मिठाइयां बांटी जाती हैं। जगह जगह पर सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाती हैं। इससे लोग आजादी के महत्व को समझते हैं। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कवि सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है तथा हम भारतवासी अपनी आजादी की रक्षा का संकल्प लेते हैं। इस पर्व पर हमें आपसी भेदभाव भुलाकर भाईचारे से रहने का प्रण लेना चाहिए जिससे हमारी आजादी रूपी स्वर्ण कलश में पुन कोई छिद्र न हो जाए। हमें अपने देश की समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए और कमर कसकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमें देश की रक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम इन सभी बातों पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हम देश सेवा में अपना तन मन धन अर्पित करेंगे और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। शब्दार्थ। जन्मसिद्ध अधिकार का अर्थ है जन्म से प्राप्त अधिकार। संघर्ष का अर्थ है युद्ध। संविधान का अर्थ है कानून। प्रभुसत्ता संपन्न का अर्थ है पूर्ण अधिकार से युक्त। बग्घी का अर्थ है रथ। पर्व का अर्थ है त्योहार उत्सव। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय। छिद्र का अर्थ है छेद। कमर कसकर का अर्थ है हर तरह से तैयार होना। प्रयास करना का अर्थ है कोशिश करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।